हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट कनिशा। तो दोस्तों, हर दिन हो या दोस्तों शुक्रवार हो या दोस्तों दिवाली हो या दशहरा हो, यदि दोस्तों इस महालक्ष्मी मंत्र का आप जाप करते हैं तो दोस्तों आपकी आर्थिक तंगी हमेशा के लिए दूर हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, दिवाली के मौके पर या दोस्तों हर दिन या शुक्रवार के दिन यदि आप ये मंत्र जाप अपने अपने पूजा घर में बैठकर इसे करते हो तो दोस्तों आपकी तमाम परेशानियां अवश्य दूर होगी। तो दोस्तों, ये मंत्र जाप जानने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इन मंत्रों का वेदिवत जाप करता है उसके जीवन में पैसों की कभी दिक्कत नहीं होती है। अगर जीवन में धन संबंधी परेशानियां हमेशा बनी रहती है तो दोस्तों लक्ष्मी जी के इन मंत्रों का जाप आपको फलदायी साबित हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार महालक्ष्मी समुद्र मंथन के समय आठवें रत्न के रूप में अवतरित हुई थी। दोस्तों, महालक्ष्मी को भाग्य और धन की देवी के रूप में पूजा जाता है। तो चलिए जानते हो दोस्तों महालक्ष्मी के सबसे प्रभावशाली मंत्र के बारे में। तो दोस्तों, ये तीन मंत्र है। दोस्तों, ये आप 108 बार सिर्फ एक ही मंत्र का उच्चारण भी हर रोज करते हैं या दोस्तों शुक्रवार के दिन करते हैं या दीपावली के दिन करते हैं तो आपके लिए अच्छा साबित होगा, यानी कि महालक्ष्मी आपसे खुश हो जाएगी और आपको प्रसन्न भी होगी। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए जानते दोस्तों इस मंत्र जाप के बारे में। तो दोस्तों, नंबर एक पर आता है महालक्ष्मी जी का ये बीज मंत्र। तो दोस्तों, ये मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यः नमः। दोस्तों, इस मंत्र के जाप से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, आर्थिक परेशानी को अंत हो जाता है, दुखों का नाश होता है। दोस्तों, इस मंत्र से माता लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न हो जाती है। इस बीज मंत्र का अर्थ होता है कि हे परमात्मा, परमपिता परमात्मा, हे महामाया, हे माता लक्ष्मी, मेरे दुखों को हर कर मेरे जीवन को समृद्धि दे। तो दोस्तों, ये आप पूजा घर में बैठकर 108 बार हर दिन या दोस्तों शुक्रवार के दिन या दीपावली के दिन करते हैं तो दोस्तों आपके लिए अच्छा साबित होगा, महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये अवश्य करें। तो दोस्तों, नंबर दो पर आता है लक्ष्मी गायत्री मंत्र। तो दोस्तों, ये मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मी विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्यो लक्ष्मी प्रचोदयात। तो दोस्तों, ये कहते हैं जो व्यक्ति इस मंत्र का सच्चे मन से जाप करता है उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस मंत्र का निरंतर जाप आपके जीवन में सकारात्मक लाने का काम करता है। तो दोस्तों, ये आप ये मंत्र 108 बार हर दिन शुक्रवार या दीपावली के दिन दोस्तों पूजा घर के मंदिर में यह दोस्तों आपके पूजा घर में बैठकर 108 बार यह मंत्र जाप अवश्य करें, इससे आपको लाभ होगा। तो दोस्तों, नंबर तीन पर आता है महालक्ष्मी जी मंत्र। तो दोस्तों, ये मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का जाप किया जाता है। दोस्तों, खास तौर से इस मंत्र के जाप से कर्ज से मुक्ति मिलने की मान्यता है। कहते हैं अगर कमल गट्टे की माला से इस मंत्र का हर दिन आप या दोस्तों शुक्रवार के दिन या दोस्तों दीपावली के दिन किया जाए तो किसी भी तरह से कर्ज से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, इस तरह ये तीन मंत्र है, यदि आप ये पूजा घर में 108 बार हर दिन या शुक्रवार के दिन या दीपावली के दिन इस मंत्र का जाप करते हैं तो दोस्तों ये आपको लाभदायक सिद्ध होगा। तो दोस्तों, मंत्र जाप करने से पहले घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जला ले। माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप स्फटिक या कमल गट्टे की माला से करना चाहिए। मंत्र उच्चारण करते समय कम से कम आप दोस्तों एक या तीन माला जाप अवश्य करें। मंत्र का जाप किसी आसन पर बैठकर करें। जाप पूरा करने के बाद माला अपने स्थान पर वापस रख दें।
तो दोस्तों इस तरह आप मंत्र जाप करते हैं तो महालक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य बनेगी। तो दोस्तों आपको आइडिया कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में श्री महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।